हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे साइंस में ब्रह्मांड में अपने जो सौरमंडल के ग्रह हैं उन पर जो क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चनों के ऊपर। तो हम चलते हैं अपने वीडियो में। आज जो हमारा पार्ट है, पार्ट 10 है साइंस का, ग्रह प्लैनेट और टोटल प्लैनेट पर बनने वाले सारे क्वेश्चनों पर हम फोकस करेंगे इस पार्ट में, ताकि आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सके। तो हम अपने वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकॉन को भी पुश कर दीजिए, ताकि हमारे जो वीडियोस अपलोड होते हैं वो आपकी तैयारी को और इम्प्रूव कर सके और आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सके। तो स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि प्लैनेट के बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं थोड़ा बहुत भी, तो इस क्षेत्र को अच्छे से एक बार देख लीजिए। इसमें हमने सभी प्लैनेट्स का विस्तार पूर्वक डिटेल से इसमें वर्णन किया है, ताकि आपके हर क्वेश्चंस सॉल्व हो जाए। तो हम चलते हैं प्लैनेट पर, और प्लैनेट का एक क्लासेस यहाँ पे हमने डिवाइड करके रखी है। सबसे पहला हमारा प्लैनेट है मरकरी। तो पहला जो हमारा ग्रह है वो है बुध ग्रह, और बुध ग्रह के बारे में हम आपको बता दें कि इसका कोई वायुमंडल नहीं है, इस पर कोई किसी प्रकार का उपग्रह नहीं होता है, और बुध ग्रह का वायुमंडल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर यह वायुमंडल होता भी तो वो सूर्य के पास होने के कारण सौर पौने उसको उड़ा देती या अपनी तरफ खींच लेती। तो बुध ग्रह के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। तो हमारा सौरमंडल का जो पहला ग्रह है बुध ग्रह, बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। तो इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। सूर्य से इसकी जो दूरी है वो 0.4 AU है। AU मीन्स होता है एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट, ये अंतरिक्ष की दूरियां नापने की एक इकाई है। AU एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट अंतरिक्ष की जो दूरियां है उसको नापने की इकाई है। और इसकी सतह पर ज्वालामुखी क्रेटर पाए जाते हैं। बुध ग्रह की जो सतह है उस पर ज्वालामुखी क्रेटर पाए जाते हैं, और इसमें वायुमंडल नहीं पाया जाता। अगर वायुमंडल होता भी तो सौर पवनों द्वारा बहाकर बाहर ले जाया जाता या अपनी तरफ सूर्य उसको खींच लेता। बुध ग्रह एक कठोर और भारी ग्रह है और सौरमंडल का एक छोटा सा ग्रह है। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले अपने ग्रह पर, जो है वीनस मीन्स शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह के बारे में अगर हम बात करें तो ये हमारे सौरमंडल का दूसरा ग्रह है। इसकी सेकंड क्लास लगती है और इसकी जो दूरी है सूर्य से वो 0.7 AU होती है, और द्रव्यमान अगर इसका देखा जाए तो 0.815। इसमें भी कोई उपग्रह नहीं है, और इसका सतह तापमान 400 सेंटीग्रेड है। यानी शुक्र ग्रह बड़ा ग्रह है, सिलिकेट और मेटल से बने हैं इसके कोर, और ये पृथ्वी की अपेक्षा अधिक शुष्क ग्रह भी कहा जाता है। इसका कोई उपग्रह नहीं है, और इसके वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की अधिकता होने के कारण ये बहुत अधिक सघन वातावरण वाला ग्रह है। नेक्स्ट ग्रह पे हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट जो ग्रह है वो है अर्थ यानी पृथ्वी, और पृथ्वी के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही हैं। अर्थ में इसकी जो सूर्य से दूरी है वो AU यानी 1 AU एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट। इसमें एक ही उपग्रह है जो चंद्रमा के नाम से जाना जाता है, और पृथ्वी का तापमान 5 से 40 सेंटीग्रेड तक होता है। पृथ्वी पर 75% जल पाया जाता है। इसमें 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन तथा महासागरीय जल है, जिसके कारण पृथ्वी अंतरिक्ष से देखने पर नीले रंग की दिखाई देती है। पृथ्वी के घूर्णन काल की अगर बात करें हम, तो पृथ्वी का घूर्णन दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, और
पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसके कारण पृथ्वी पर ज्वार भाटा आते रहता है समुद्र में। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे अगले ग्रह की ओर और वो है मार्स मीन्स मंगल ग्रह। मंगल ग्रह की अगर हम बात करें तो मंगल की जो दूरी है 1.5 AU, जिसमें दो उपग्रह है फोबोस और डिमोस। ये मंगल ग्रह का वायुमंडल पतली परतों की उपस्थिति है इसके वायुमंडल में और ये पृथ्वी के समान या मौसम परिवर्तन होते रहता है। सौरमंडल में उपस्थित ग्रह में मंगल ग्रह पर उपस्थित माउंट ओलंपस सर्वाधिक ऊंचा पर्वत है जो सौरमंडल के समस्त ग्रहों में सबसे ऊंचा है। अगर मंगल पर क्षारीयता की बात करें तो इसमें 8.3 pH क्षारीय ग्रह क्षारीयता अधिक पाई जाती है मंगल ग्रह पर। नेक्स्ट हमारा ग्रह है जुपिटर मीन्स बृहस्पति। बृहस्पति के बारे में हम आपको बता दें कि अगर समस्त ग्रहों का द्रव्यमान भी अगर सम्मिलित रूप से किया जाए सौरमंडल के उनसे भी 2.5 गुना अधिक द्रव्यमान वाला ग्रह है बृहस्पति। तो बृहस्पति ग्रह की जो दूरी है सूर्य से 5.2 AU होती है। ग्रह और उपग्रहों के समस्त द्रव्यमान का 2.5 गुना है और 63 उपग्रह है बृहस्पति पर। बृहस्पति के बारे में अगर हम बताएं तो बृहस्पति एक अंशीय झुकाव के कारण ध्रुवीय क्षेत्रों में विषुवतीय क्षेत्रों की तुलना में बहुत कम मात्रा में सौर विकिरणों की प्रदीप्ति इस पे होती है। बृहस्पति के उपग्रह 63 है एवं इसमें 4 विशाल उपग्रह है। अगर हम बृहस्पति की सतह की बात करें तो ये लाल रंग का दिखाई देता है। यह मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ है। इसमें वायुमंडल वृद्ध लाल एवं तूफानी प्रति चक्रवात क्षेत्र उपस्थित है एवं इसमें तूफान हमेशा ही उत्पन्न होते रहते हैं। नेक्स्ट ग्रह की ओर हम चलते हैं वो है हमारा शनि ग्रह। शनि ग्रह देखने में अत्यंत सुंदर है एवं इसमें छल्ले की आकृति के छल्ले बने हुए हैं। चारों ओर से ये छल्ले की आकृति से घिरा हुआ ग्रह है। तो हम शनि पर चलते हैं। शनि ग्रह की अगर हम दूरी की बात करें तो ये सूर्य से 9.5 AU एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट की दूरी पर है और इसका द्रव्यमान बृहस्पति से 60% है। यह अत्यंत हल्का ग्रह है। सौरमंडल के समस्त ग्रहों से हल्का है और इसके छल्ले का अगर द्रव्यमान की बात करें तो 6630 किलोमीटर से 120,700 किलोमीटर तथा 20 मीटर का मोटा छल्ला इसको चारों ओर से घेरे हुए है। 60 इसमें उपग्रह है और टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि ग्रह के छल्लों के बारे में कई वैज्ञानिक इसकी उत्पत्ति के बारे में अलग अलग सिद्धांत दिए। कई वैज्ञानिक ये कहते हैं कि शनि ग्रह के विध्वंस होने और टूटने से इसके छल्ले का निर्माण हुआ है और कई वैज्ञानिक ये कहते हैं कि शनि की उत्पत्ति के दौरान ही ये छल्ले सर्वप्रथम बने हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने अगले ग्रह की ओर और ये है अरुण। अरुण की दूरी 19.6 AU है सूर्य से और इसमें 27 उपग्रह हैं। यह अत्यंत हल्का ग्रह है। इसमें गैसीय उपग्रह की तुलना के कारण गैसीय उपग्रह की अपेक्षा अत्यंत शीतल ग्रह है अरुण। अरुण के बाद हमारा नेक्स्ट ग्रह है वरुण। वरुण ग्रह के बारे में हम बात करते हैं तो इसकी दूरी जो है सूर्य से 30 AU है तथा इसमें भी 13 उपग्रह है। वरुण भी सबसे हल्का ग्रह है और इसमें इसके वायुमंडल में 80% हाइड्रोजन 19% हीलियम तथा मीथेन की भी मात्रा प्राप्त हुई है। वरुण पर ही हमारा सौरमंडल यहाँ समाप्त हो जाता है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं
और जिसके बारे में हमने आपको यहाँ बारी बारी सभी के बारे में बताया है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये हमारे आठों सौरमंडल के ग्रह हैं। इससे पहले नवा भी एक ग्रह हुआ करता था जिसको सौरमंडल के ग्रहों से हटा दिया गया है, और उसके हटने का कारण ये है कि उसकी कक्षा सम्मिलित रूप से उसके दूसरे ग्रहों की कक्षा को काटती है, इसीलिए नासा ने उस ग्रह को सौरमंडल के ग्रहों से अलग कर दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन ग्रहों की परिक्रमण पर, किस प्रकार का परिक्रमण होता है इनका और परिक्रमण कक्षाएं कितने कितनी दूर है। तो स्टूडेंट्स आपको बता दें कि ग्रहों की परिक्रमण काल पर भी कई बार क्वेश्चंस बनते हैं और इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। तो सूर्य से दूरी के अनुसार इनकी जो क्लासेस है वो है सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये सूर्य से दूरी के अनुसार समस्त ग्रह हैं जिनकी दूरियों के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया है कि जो एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट्स हैं वो कितनी कितनी दूरी पर कौन कौन सा ग्रह स्थित है और इसके वायुमंडल में किस किस प्रकार की गैसें उपस्थित हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, तो ये थी क्लासेस जिसके अनुसार सूर्य से ग्रहों की दूरी के बारे में आपको पता चलता है। ये इनके द्रव्यमान हो गए हैं। आज का ये हमारा वीडियो था ग्रहों के ऊपर। आपको ये हमारा वीडियो कैसे लगा इसके लिए आप इस पे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। Thank you for watching this video. Have a nice day.